नमस्कार, मैं डॉक्टर माजिद अहमद तालिकोटी ऑनको प्लस सर्जिकल टीम के साथ। आज हम जो एक हिंदुस्तान में एक आम बीमारी है, मुंह का कैंसर, उसके बारे में कुछ बातचीत करेंगे। और मुंह का कैंसर जो है, ये हिंदुस्तान में एक बहुत ही आम कैंसर है। पूरे विश्व में देखा जाए तो मुंह का कैंसर जो सबसे ज़्यादा होता है वो हिंदुस्तान में होता है। इसके जो मेन कारण हैं वो है तंबाकू। तंबाकू आप बीड़ी, सिगरेट, हुक्का या मुंह से जो खाते हैं हम लोग, खानी, पान, मसाला या फिर कोई भी तरह से जब तंबाकू का इस्तेमाल होता है, तब ये मुंह का कैंसर या तंबाकू से होने वाला कैंसर बन जाता है। तंबाकू के अलावा हमारा खान पान, मुंह का इन्फेक्शन, खास करके जो ओरल इन्फेक्शन होता है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से, खास करके ओरल सेक्स से, ये भी एक कारण है। बट 90% जो कारण होता है वो तंबाकू होता है, और जो बंदा तंबाकू के साथ शराब का सेवन करता है उसमें अधिकतर हो जाता है। और इसके अलावा बॉडी वेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, पुअर हाइजीन, क्या लक्षण होते हैं मुंह के कैंसर में? जैसे मुंह थोड़ा सा छोटा हो जाना, उसका मतलब ये कि जब मुंह सही तरह से नहीं खुलता है तो तब। इसके अलावा जो है मुंह वाइट होना, मतलब वाइट तरह के पैचेस आ जाना मुंह के अंदर, जिसको हम ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं, या लाल तरह के पैचेस आना जिसको हम एरिथ्रोप्लेकिया कहते हैं, या मुंह में कोई ज़ख़म होना जो भर नहीं जाता है। नॉर्मली जो मुंह के ज़ख़म होते हैं वो 8 से 10 दिन के अंदर वो भर जाते हैं, बट जब ज़ख़म 10 दिन से ज़्यादा नहीं भर रहा है और दवाइयाँ लेने के बाद भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो ये कि लक्षण हो सकता है मुंह के कैंसर का। इसके अलावा खाने में दिक्कत आना, बोलने में दिक्कत आना, जब कभी किसी को इस तरह के लक्षण हो वो क्या करें? वो एक तो अपने चेहरे को मुंह के अंदर देखता रहे, दूसरा डेंटिस्ट को या आपके आसपास में जो ऑनको प्लस जैसा जो अच्छा हॉस्पिटल हो वहाँ पे जाके एक चेकअप हम करवा लें, जहाँ से एक बायोप्सी ली जाएगी। अगर उनको शक होता है कि ये कैंसर है तो बायोप्सी जब भी लेने की बात की जाए तो आप घबराएं ना, बायोप्सी से कैंसर फैलता नहीं है। ये एक मिथ है, वहम है जो लोगों के बीच में आम है। बायोप्सी से बीमारी पता चल जाएगी, एक जो आपके दिमाग में जो वहम है कि कैंसर है नहीं है वो 100% क्लियर हो जाएगा। अगर कैंसर है तो उसका इलाज है। आज जो है कैंसर एक डेथ का पासपोर्ट नहीं है, आज कैंसर लाइलाज नहीं है। आज आप देखेंगे लाखों लाखों मरीज हैं जिनका हमने इलाज किया है और वो आज बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कैंसर के बगैर हैं, बिना कैंसर के वो लोग हैं। तो जैसे ही मिले और आप हॉस्पिटल जाते हो, जब डॉक्टर कहता है कि नहीं जी इसमें बायोप्सी होनी है तो आपको बायोप्सी करना है, और अगर बायोप्सी पॉजिटिव नहीं होती है तो आपको मुबारक हो, और अगर बायोप्सी पॉजिटिव आती है तो आप घबराएं ना, डरे ना, बस इसका इलाज सही होना चाहिए। आपको इसके अलावा कुछ टेस्ट वो बताएंगे, जैसे कि सर से लेके पांव तक पेट स्कैन होता है ताकि बीमारी कहीं और तो फैली भी नहीं है। आपको मैं बताना चाहूँगा तो वो एक सीटी स्कैन करेंगे, बायोप्सी करेंगे, ब्लड का चेकअप करेंगे, अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटीज़ है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन वगैरह, उसका एक बार क्लियरेंस ले लेंगे। और एक बार वो सब हो जाता है, अगर बीमारी छोटी है तो उसका इलाज ऑपरेशन होता है। और अपने जहन में ये बात ना लाएं ऑपरेशन करने से आदमी खाएगा कैसा, बोलेगा कैसे, क्या होगा। बोलेंगे भी अच्छी तरह से, खाएंगे भी अच्छी तरह से, जितनी बीमारी है उतनी ही निकलती है। अगर आप इंतज़ार करके ज़्यादा लेट पहुंचते हैं तो उसमें ज़्यादा रेडिकल सर्जरी होती है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और बचने के चांसेस कम होते जाते हैं। और कभी कोई बोलता है जैसे कि गले का कैंसर है, नहीं जी इसमें सिकाई होना है, तो बोलना मत कि नहीं इसमें तो ऑपरेशन होना चाहिए था। जो आपके लिए सही है, जिससे बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो सकती है, वो किया जाता है। और अगर आपकी बीमारी बहुत ही लेट स्टेज में है तो उसमें कीमोथेरेपी दी जाती है। इस तरह से हमें जब भी कोई मुंह का कैंसर होता है या मुंह में कोई ज़ख़म होता है या मुंह में कोई वाइट और रेड पैच होता है, तो घर ना बैठें बल्कि आप हॉस्पिटल आएँ, ऑनको प्लस जैसा एक अच्छा हॉस्पिटल चुनें और वहाँ पे आप जाके इसका इलाज अच्छी तरह से कर लें। कम खर्चा आएगा, अच्छे से अच्छा इलाज होगा, ज़िंदगी पूरी की पूरी मिलेगी। देर करोगे तो पछताओगे।
ओके, नमस्कार।